अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जारी है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास मौजूद है हमारे बड़े ही प्यारे भाई, जो हमें बताएंगे कि इंडिया ने क्या मिस्टेक की है और साउथ अफ्रीका ने क्या गलतियां की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, कुछ आप बताएंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका की 55 स्कोर पे आर टीम आउट हो गई है, तो कुछ बताएंगे आप? सर आप ये शुरू में ये देखें कि साउथ अफ्रीका का रिदम ही बहुत ही डाउन था, और साउथ अफ्रीका तो आज ऐसे लग रही थी जैसे कि वर्ल्ड कप में इंडिया, और जब श्रीलंका का वर्ल्ड कप था तो इंडिया वालों ने श्रीलंका को 55 रन पर ढेर कर दिया था, और वो उन्होंने बड़े सुकून से चेज कर लिया था। आज भी वही लग रहा था कि 55 रन थे और इंडिया ने बड़े ही इजीली तरीके से कर लिए। तो दूसरी जब इंडिया की बारी आई तो 153 पर साउथ अफ्रीका वालों ने ढेर कर दिया, और जिसमें 6 खिलाड़ियों के 0 स्कोर है और उसमें 4 खिलाड़ियों के स्कोर है। और उसमें सबसे पहले इंडिया की बॉलिंग का सवाल आता है, उसमें जसप्रीत बुमराह 8 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट ले सके और उन्होंने 1 मिड ऑन ओवर निकाली। और मोहम्मद सराज वेल्डन बॉलिंग, 6 विकेटें ली हैं, अपना बेस्ट दिया है। मोहम्मद सराज ने एक्सलेंट बॉलिंग की है, 6 विकेटें हाथ लगी हैं, और बाद में जब इनकी बैटिंग आई है वो इनका जसवाल 0 पे आउट, और रोहित शर्मा बहुत ही अच्छा खेला है, स्ट्राइक रेट भी उसकी बहुत ही अच्छी है, 50 बॉल पर 39 स्कोर बनाए हैं, और शुभमन गिल साहब सिर्फ 46 स्कोर बनाकर आउट हो गए हैं। विराट कोहली किंग, इंडियन किंग, वर्ल्ड किंग, 46 स्कोर बनाकर आउट हो गए हैं, और बाद में लैन लग गए। श्रेयस सैयद 0 स्कोर पर, विकेट कीपर के एल राहुल आंडा, रविंदर जडेजा आंडा, जसप्रीत बुमराह आंडा, मोहम्मद सराज आंडा, किशान आंडा, मुकेश कुमार आंडा नॉट आउट, और ये 6 खिलाड़ी थे जो 0 पर आउट हुए। इनका टोटल स्कोर बना 153, और बाद में साउथ अफ्रीका खेलने आई, उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर 62 स्कोर बनाए सिर्फ, और आज स्टैंप हो गया, सुबह मैच देखेगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब तक के लिए इजाजत दें। ठीक हो गया भाई, इंशाल्लाह इस तरह की न्यू वीडियो आती रहेगी, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा पेज लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।